आज कैसी लुक नजर आ रही है आपको? बहुत खूबसूरत देखना, बेइज्जती ना करवा दे ना। आपकी लुक भी मुझे अच्छी लग रही है, वैसे थोड़ी थोड़ी सही है, थोड़ी अच्छी लग रही है, ज्यादा नहीं लग रही। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ठंडा है, बहुत ठंडा है। माशाल्लाह जी, बाइक मेरी आ चुकी है बहर। अस्सलाम वालेकुम। ये मोटी कौन सी मोटी है? देखो इन दोनों में से, या आपको नहीं पता? हाँ, तार मोटी तो ये है। आप बात करो किधर आए जी। मोटी जुर्माना बनता है? हाँ, जुर्माना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट, और दुआ करता हूँ कि जो देखने वाले हमारे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं, और आपको आज का दिखाते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। और बाकी जैसे आप जानते हैं काम वगैरह जो है ना वो तो होता ही रहेगा रूटीन के हिसाब से, छोटे मोटे काम जो है वो हो चुके हैं, बाकी जो है ना इंशाल्लाह वो होते रहेंगे। तो अभी करते हैं नाश्ता जी, नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। आज का व्लॉग जो है ना आपने बिल्कुल नहीं सपेक्ट करना, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना VIP और मज़ेदार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत सेहत कैसी है? माशाल्लाह जी, ये किसकी कोयल तार डाली जा रही है जी? भाई असलम की 600 फुट तार डाल दी है, 600 फुट दो रोल इधर तक पहुंची है, और आगे ये 17 मीटर फिर लेकर आए हैं 50 फुट, समझो 650 फुट लगी है भाई असलम के गा तार। इतनी दूर से है क्या ये सर? आपकी तार से ही वजनी तार है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, इकरम आओ इधर आओ, ऐसा नहीं हो सकता, इधर आओ भाई इकरम, इधर आओ मेरे पास आओ, आ जाओ यार, आओ आज देख लेते हैं। जुर्माना लगना है भाई असलम को। ये तार देखो, ये मोटी कौन सी मोटी है? देखो इन दोनों में से, या आपको नहीं पता ये मेरी कौन सी है इनकी कौन सी है? हाँ, तार मोटी तो ये है। आप बात करो किधर आए जी। मोटी तो ये है, वो थोड़ी बारीक है, ये मोटी है जी। जुर्माना बनता है? हाँ, जुर्माना तो बनता है। और सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हम पक्का काम करते हैं, हम अच्छे वाला। अच्छा, ये फिर किधर किधर से जा रही है अभी? उधर तो आपने बांध दिया है। वो पीछे से आई है, पीछे टॉर्च लग गई है। अच्छा अच्छा, ये रात अभी इधर बांधेंगे आपके दरख्त के ऊपर, इधर ये मीटर उधर ही लगेगा जी, मीटर उधर ही। रात हम 8 बजे गए हैं तार डाल कर जी, फिर मीटर भी आज लगा दोगे? मीटर आज वाप्टा वाला लगाएगा। नहीं, वो तो वाप्टा वाला लगाएगा ना, आप तो नहीं लगाओगे? बस इन्होंने कनेक्शन कर देना है, अभी सारा ओके हो जाना है, एक जोड़ छोड़ देना मेरे ख्याल है ना जी। बस एक जो लास्ट वाला है ना एंड वाला, वो छोड़ देंगे, जब मीटर लगेगा तो वो छोड़ देंगे। ओके ओके, सही मीटर वाले का पता नहीं है ना किस टाइम आता है। आ जाएगा, उसको रापता उसके साथ करना पड़ेगा, तो तब ही वो आएगा। माशाल्लाह जी, जैसे आपने देखा है ये जो है ना मुकाबला बहुत सख्त था, मुकाबला बहुत सख्त था, लेकिन बिजली वाला जीत गया, ये भी बताएं। बिजली वाला जीत गया, जीत गया। हाँ जी, ये तार अच्छी ले आया है वैसे। हाँ, तार ठीक है, मोटी तारें। पहले बताते ना, हम ये वाली ले लेते सारी,
मेरी आप मानते नहीं है ना, कभी कभी मानते नहीं है। फिर ये महंगी भी होगी ना उससे, महंगी भी बहुत होती है यार। जितने जितने में ये आप लेकर आए हैं ना, उतने में आपको देनी थी। अच्छा, ये कहाँ से ले आए हैं? चौक से? जहाँ से मर्जी लेकर आए हैं। ये आपके पास है? नहीं, जहाँ से मर्जी लेकर आए, आपको तार देने से हमने कैसे। अकरम भाई, अकरम भाई। अच्छा, ये अभी पूरी हो जाएगी? पमैश की ये पहले। अच्छा, ये ऊपर से कैसे पमैश कर ली? इधर से है, जो कम रहती थी, बाकी तो इधर से आई हुई है ना। एंटी टाइम लेकर आए थे सुबह पहले। सही है, असलम भाई का नुकसान ना हो। हाँ, पूरी पूरी तार जितनी कम है उतनी ही खरीद। मैंने कहा असलम भाई की नुकसान हो, कभी कभी हमारी सिफारिश कर देता है हमारे चैनल की, इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इमरान इलेक्ट्रिक, इमरान इलेक्ट्रिक 198। तो इनका चैनल है जी, और आपने ज़रूर जो है सपोर्ट करनी है, क्योंकि मैंने भी छोटे मोटे काम कराने होते हैं ना। बिजली आप भी सपोर्ट लगा रहे हैं। फिर मैं भी लगा देता हूँ ना, क्योंकि अभी वो इमरान भाई कह रहे हैं कि असलम भाई ना कभी कभी जो है ना सपोर्ट लगा देते हैं, तो इस वजह से जो है ना इनका की बचत हो जाती, इनका काम जो है ना जल्दी हो जाता है। तो मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा यार वो ना बोर्ड के ना शूज़ वगैरह लगाने हैं, तो इमरान भाई ने लिफ्ट भी नहीं दी, तक 15 दिन हो गए हैं। ये तो ऐसे हुआ कि जले हुए जो शूज है ना वो दोबारा चलना शुरू हो गए, तो मैंने काम चलाया है, अभी तक चल रहा है। कितनी देर चलेगा, कभी तो हमारे हाथ आएंगे। चलो जी, माशाल्लाह। मैंने कहा बाहर आवाजें आ रही थी, मैंने कहा देखते हैं कौन है, तो इधर आया तो इधर इमरान भाई ने अपना काम जुगाड़ वगैरह लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं। चल के हम तो करते हैं जी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे। और आपने बताना है कि आज की लुक जो है ना वो आपको कैसी लगी है, लेकिन कल की जैसे मैंने लुक चेंज की है ना, तो काफ़ी बहन भाइयों के मैसेज आए थे, कमेंट्स आए थे, वही से आई थी व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा क्या बात है अकरम भाई। कोई तो कुछ ऐसे भी मैसेज आए हुए थे जो कह रहे थे कि आप अकरम भाई हैं। मैंने कहा जी नहीं, चेंज हो गया हूँ, अभी वो अकरम भाई नहीं रहा, अभी नेम वही है अकरम खान, लेकिन ये है कि लुक जो है ना वो चेंज हो गई है। तो ठीक हो गया, अभी करते हैं जी नाश्ता, नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी पहुंच चुके हैं अहमद भाई वालों की छत पे, और इधर देखें ये पौधे वगैरह भी रखे हुए हैं। ट्रेन आ गई है, तो ट्रेन में करना है शोर। ये कराची से ना लाहौर की तरफ रवाना है, और ये पौधे मैं आपको दिखा रहा था, ये वाले पौधे वगैरह भी ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं, और ये पता नहीं लहसुन बीजा हुआ है, पता नहीं क्या बीजा हुआ है, मुझे तो लहसुन ही लग रहा है। ये 3-4 गमलों में ना वो ही मुझे लहसुन ही नज़र आता है, और कुछ जो है ना उस कोने में इन्होंने रखे हुए हैं। और मौसम जो है ना आज इस तरह का बना हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे धुंध धुंध सी नहीं होती ऐसे, लेकिन धुंध नहीं है, वैसे लग रहा है धुंध वाला हिसाब। ये देखें, ये विलेज का माहौल है, लेकिन धुंध धुंध सी ना वो नज़र आ रही है। मैं इधर आया था ऊपर, मैंने कहा चलो ऊपर आकर ना धूप भी थोड़ी लगवाते हैं, और उसके अलावा जो है ना ये माहौल देखते हैं। लेकिन ऊपर ना ये देखें, ये राखी जो है ना ये इकट्ठी हो जाती है, मिल चलती है ना, मिल की वजह से ये सारी देखें, ये केरी राखी छतों के ऊपर ना ये आ जाती है, जितनी चाहे सफाई कर लें ये पूरी छतों पर ऐसे ही होगी, इधर इंसान बैठ भी नहीं सकता। अगर ये साफ माहौल होता ना तो इंसान फिर जो है ना ऊपर सुकून से बैठ सकता है, लेकिन राखी है तो राखी की वजह से जो है ना ऊपर इंसान जो है ना वो बैठ नहीं सकता। चलो जी, ये जो है ना माहौल देख लिया है, अभी चलते हैं नीचे, नीचे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये सीढ़ियाँ, ये उतरते हैं अभी। 1 2 3 गो,
वो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, इसके साथ खेल रहे हो, खेलो 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 खेलो, नहीं खेलते नहीं खेलते, अच्छा ना खेलो सही, मुझे क्या है, खुद बैठे रहोगे, मुझे क्या है, बैठे रहो, सुकून करो, झूमर लगाओ, कुछ भी नहीं लगाता, वो अपनी चप्पल उठा के बैठा है, चप्पल ये पहननी है, पहननी है, पहनो 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 पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उधर से आ चुके हैं वापस, राउंड वगैरह लगाया है, अभी चलते हैं घर की तरफ और चल के देखते हैं नादिया जो है ना वो क्या कर रही है, और उसे उन्होंने तो दुआ सलाम भी नहीं की है अभी तक, तो चलते हैं उनसे भी आपकी दुआ सलाम करवाती हैं, और बाकी इंशाल्लाह जैसे भी व्लॉग होगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कपड़ों की तैयारी कर रहे थे, कपड़े धोने वाले काफ़ी जो है ना वो रखे हुए थे, तो उसकी ना तैयारी कर रही थी धुलाई करने की, लगता है वो ना इकट्ठे करके उन्होंने रख दिए हैं, तो अभी लगता है चार पहिया वगैरह जो है ना वो निकाल रही है, ये उठा के लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही हो, दुआ सलाम क्यों नहीं करती मेरे व्लॉग में, करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फुलकते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी मेरा शुरू हो चुका है, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। हाँ जी, व्लॉग की तरफ चलते हैं, नाश्ता वगैरह जो है वो हमने कर लिया है। आज कैसी लुक नज़र आ रही है आपको, बहुत खूबसूरत, देखना बेइज्जती ना करवा दे ना। नहीं बेइज्जती आपकी नहीं होती, तारीफ ही होती है। अच्छा हाँ जी, नादिया ने तारीफ कर दी है और आप भी तारीफ करना। हाँ ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करना प्यारे प्यारे। इधर जेब में क्यों हाथ डाल रही हो, चोरी कर रही हो? कौन सी जेब है आपकी, भरी हुई है। खाली वेस्टकोट की जेबें हैं, वैसे हाथ लग गया था। अच्छा हाथ लग गया था, देख रही थी कि ये कितनी बड़ी जेब है। हाँ। लेकिन काफी बड़ी है, इसमें ना तकरीबन 2 किलो सामान आ जाता है, 2 किलो ये 2 किलो इस साइड में और 2 किलो इस साइड में, तकरीबन 4 किलो 4 किलो, यानी कि अगर चीनी लेने जाए, कोई दाल लेने जाए तो ये इस जेब में आ जाएगी। हाँ। कैसे है आपकी लुक, कैसी है फिर आपकी लुक भी, मुझे अच्छी लग रही है वैसे, थोड़ी थोड़ी सही है, थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, ज्यादा नहीं लग रही, बस इतनी ही काफी है। अच्छा हाँ जी, चलो फिर आपकी मर्जी। अभी क्या हो रहा है, अभी घर का काम काज सफाई वाला, वो पहले मैंने देखा आप तो कपड़े लेकर जा रही थी, वो मशीन मैंने लगा ली है, कपड़े डाल दिए हैं मशीन के अंदर, तो वो धुलाई हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि घर की सफाई वगैरह कर लूं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ना मिल्की केरी वगैरह वो तो मैंने दिखाया है पूरे सहन में, ये इधर भी राखी राखी होती है सारी नीचे, देखे ना चार पाई को पूरा आधा घंटा मैं ना साफ करता रहा, और अभी इनके बर्तन वगैरह भी उधर रखे हुए हैं, बर्तन भी अभी धोने वाले हैं, सफाई वाला काम मुकम्मल करूंगी तो फिर बर्तन धुलाई करूंगी ना। अच्छा हाँ जी, सही सही। नाश्ता कर लिया? नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था, इन्होंने नाश्ता जो है सुबह सुबह कर लिया था, लेकिन मैंने लेट नाश्ता किया है, मैं फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद जो है फिर नाश्ता किया चाय के साथ जैसे आपने देखा है, तो अभी उधर चाय मैंने छोड़ी हुई थी खड़ी सी, वो आपने पी ली? मैंने अपनी चाय पी ली थी। नहीं उधर जो बच्ची हुई है वो कौन पिएगा, मैंने तो थोड़ी सी फिर डाली थी, मैंने कहा शायद आपने नहीं पी है। नहीं नहीं मैंने पी ली थी, वैसे खड़ी थी। अच्छा हाँ जी, वो चलो इब्राहिम जी आ जाएगा तो वो पी लेगा। हाँ इब्राहिम भी वो आ जाएगा, अभी कहेगा मैंने नाश्ता करा। मैं जैसे ही रोटियां बनाती हूँ तो गरम गरम रोटी होती है, और सालन भी गरम कर लेती हूँ, तो वहीं पर किचन में बैठ कर मैं खुद नाश्ता। चलो भाई मेरे साथ बाहर निकलवाओ, तो
मैं ना इसको थोड़ा साफ सूफ कर लूं, बल्कि निकाल लें। साफ सूफ नहीं होगा, इसकी सर्विस होगी, लेकिन आज नहीं कराते, दो चार दिन। हर रोज तो सर्विस करवाते हैं। हर रोज कहाँ होती है। हाँ, बस ऐसे कपड़ा लगा लिया करो, जब ज्यादा खराब हो जाता है तो बंदा सर्विस करवा लेता है। आप तो हर रोज सर्विस के लिए लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, रोज सर्विस कराने से थोड़ी खराब हो जाते हैं, ये तकरीबन हफ्ता 10-15 दिन के बाद इसकी सर्विस होती है, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह ज्यादा जम जाए ना, फिर वो कपड़े से उतरती नहीं है, तो इस वजह से फिर पानी वगैरह से लग जाता है, धुलाई हो जाती है अच्छी तरह से। चले आए, निकालते हैं बाहर तो निकालते हैं। इसकी चाबी तो ले आओ पहले। कहाँ है चाबी? उधर रखी होगी, और दूसरे कमरे में। तो जी अभी निकालते हैं बाइक को, बाइक को बाहर निकालने के बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं। कल इसका ना पेट्रोल भी, मैं पेट्रोल दो पेट्रोल पंपों पर गया, उन्होंने मुझे पेट्रोल नहीं दिया। मैंने कहा वजह क्या है, उन्होंने कहा कोई वजह नहीं है। पेट्रोल भी कल नहीं मिला मुझे, क्यों नहीं मिला पता नहीं, क्यों नहीं मिला। ये जी चाबी आ गई बाइक की, अभी बाइक को निकालते हैं। माशाल्लाह जी, बाइक मेरी आ चुकी है बाहर, थोड़ी ही देर में हमने बाहर निकाल लिया, 2 मिनट लगते हैं। और अभी इसको थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगाते हैं, साफ सूफ करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है इसके साथ। ये मेरे परिंदे जी अभी लगवा रहे हैं धूप, क्योंकि धूप जैसे निकली है ना, ये धूप वाली साइड पर सब आ रहे हैं, धूप वगैरह लगवा रहे हैं, ये देखें। और दूसरे खाने में भी ये वो बैठा है, नीचे में छोटे हैं, और तीसरे खाने में सामने बुक्स में आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ये जो है ना, और उसके अलावा ऊपर वाले जो है ना, ये वाला, ये इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि बच्चे निकालते हैं इस बार के नहीं निकालते, क्योंकि तीसरी मरतबा इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, तीसरी मरतबा। 2 मरतबा इन्होंने अंडे दिए, वो ख़राब हो गए, और ऊपर वाले जो है ना, जितनी देर मैं खड़ा हूँ वो नहीं बाहर आने वाले, क्योंकि वो छुप जाते हैं। वो ये नहीं होते थे हमारे पाकिस्तान में देसी तोते जो होते थे ना, सबज ऊपर वाले, वो ही है, और नीचे वाले ये छोटे हो गए, और दूसरे नंबर पे ये हो गए चोटी वाले, तीसरे नंबर पे ये जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये वाले, और चौथे नंबर पर ऊपर वाले हैं, और वो जो है ना अभी बाहर नहीं आ रहे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, मैं इसको कपड़ा लगा लूँ, इसकी थोड़ी ना वो सफाई सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कपड़ा ढूंढना पड़ेगा मुझे इसको लगाने के। माशाल्लाह जी, कपड़ा वगैरह जो है इसको लगा दिया है, अभी देखें ये कैसे चमक रहा है, इसमें से मैं भी नज़र आ रहा हूँ, बिल्कुल ओके कर दिया है, इसको चमका दिया है, और बाकी इंशाल्लाह। हाँ जी, इशारे भी चल रहे हैं, और दूसरे ये भी चल रहे हैं, सही है, हॉर्न चलता है, हॉर्न भी चलता है, क्योंकि इसका काम मैंने ओके किया हुआ है, ताकि ये कहीं रोड पर मुझे ना कोई मसला ना करे। इशारे वगैरह इसके ओके है, हॉर्न ओके है, उसके अलावा जो है ना इसके टायर आगे पीछे वाले दोनों जो है ना मैंने न्यू डलवाए थे, इसका सारा काम जो है ना मैंने ओके करके रखा हुआ है, ताकि फिर कोई मसला ना बने। अपनी तरफ से तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि साफ सुथरी चीज़ जो है ना वो हो, ये ना हो कि रास्ते में जा रहे हो और वो ये कहे कि मेरे तो टायर ख़त्म है, मैं तो पंचर हो गया हूँ, फिर भी आपको पता है मुसीबत बनती है। ये हैं जी मिट्टी के बर्तन, और ये है मिट्टी का तंदूर, ये सारा सामान जो है ना इधर आ चुका है, लेकिन मैं अभी आया हूँ, मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सामान जो है ना वो रखा हुआ है। तो जैसे भी मैं इधर आया तो देखा ये मिट्टी वाला सामान जो है ना रखा हुआ था, और VIP माशाल्लाह अच्छा लग रहा है मुझे। ये बड़ी देगची है, और ये उससे छोटी है, और ये जो है पानी का घड़ा है, वो जो है ना लस्सी वाली मटकी है ये सामने वाली, और कुछ जो है ना ये डुई वगैरह है, गिलास हैं वो आटे के लिए जो है, पात्रियाँ वगैरह हैं, और साथ जो है प्याले हैं, साथ एक जग है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान है। चलो
अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि अभी जो है ना काम वगैरह हो रहा है और इसकी लिपाई वगैरह भी वो जो है वो भी होनी है, उसके अलावा ये मुकम्मल सहन की जो है ना वो लिपाई होनी है, गारा वगैरह जो है वो बन रहा है और जैसे भी इसकी मुकम्मल लिपाई हो जाएगी। और तल्ले की लुक जो है ना वो आज कुछ इस तरह की है, मेरे हिसाब से लगता है कि ये लग गया है, ये सूखा नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे तो ये जो है ना हो जाएगा बहुत जल्दी। इधर आया तो मुंशी साहब कुछ कह रहे थे तो मैंने कहा मुंशी की भी सुन लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये फ्रिज में पड़ा रहा, पता नहीं क्या। ये ठंडा ही होता है, ये रात को पड़ा रहा है आपको पता है, फिर ये ठंडा ही होगा। हाँ जी, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। अभी इसमें और पानी डाला है। हाँ जी, मजा आ गया कसम। मजा आ गया। इतना ठंडे में चस आ गई। हाँ, बहुत ठंडा यार, ये जो गारा है ना बहुत ठंडा है, बड़ी चस आ गई, मैं इधर से निकलूंगा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये नासा जो है ना हमारी ये बंद। चलो सही है, आज लिपाई होगी कि नहीं होगी? होगी इंशाल्लाह, शुरू कर रहे हैं लिपाई, शुरू कर रहे हैं। सही सही। हाँ तो जी, आज की थी हमारी यही वीडियो। और पौधों को भी मैंने अभी नहला दिया है बिल्कुल बोतल के साथ, जैसे मैंने बोतल वो बनाई थी। और सफाई वगैरह का काम जो है ना वो भी माशाल्लाह ओके हो चुका है दोनों कमरों में, और बहर का भी, सहन का भी। और उसके अलावा ये देखें इनकी अभी लुक जो है ना वो कैसी आ रही है, क्योंकि ये नहा रहे लेना तो फिर माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक इनकी नज़र आती है, जैसे आपके भाई की लुक नज़र आ रही है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में रखना है जी हमें याद। तो तमाम देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि वीडियो को शेयर लाइक करती हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी, ओके बाय।